रावण आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। तो हेलो दोस्तों, इस साल की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल साथ ही मोस्ट मच अवेटेड मूवी आदि पुरुष का ट्रेलर आए आज 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं और क्या रिकॉर्ड तोड़ व्यूज आ रहे हैं अपने पहले ही 24 घंटे में ही कमाल है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक लगभग 42 घंटे से ऊपर कंप्लीट कर चुका है ट्रेलर और जब तक आप देख रहे होंगे तब तक शायद 48 घंटे कंप्लीट कर चुका होगा। दोस्तों ट्रेलर ढेर सारे मिक्स रिव्यू और क्रिटिक्स के साथ फुल हाइट ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोगों को ट्रेलर खूब पसंद आया है लेकिन बहुत से लोग अभी भी कमी ढूंढने में एक्सपर्ट हो रहे हैं। देखो लोग जब तक रामानंद सागर की रामायण से इसे कंपेयर करेंगे तब तक आपको इसमें कमी ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात तो है, रामायण जैसा सब्जेक्ट एक शाइनिंग सब्जेक्ट है जिससे कूल एंड कामलेस की फीलिंग आती है, लेकिन आदि पुरुषों फुल डार्क थीम इस्तेमाल करके इन्होंने रामायण के सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ तो किया है। ऐसा लग रहा है कि KGF या फिर साउथ की कोई एक्शन मूवी चल रही हो। देखो रामायण का सब्जेक्ट है बुराई पर अच्छाई की जीत का लेसन देने के लिए, माँ सीता और श्री राम का प्योर फॉर्म ऑफ लव बॉन्ड का कनेक्शन शो करने के लिए, कोई एक्शन मूवी का कॉन्टेंट नहीं है ये। देखो भगवा जो रामायण की पहचान है वो इस आदि पुरुष के डार्क थीम में कहीं चमकता नहीं दिख रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा फिटफॉल है इनकी ग्रोथ के लिए। बाकी दोस्तों लोगों का ये भी कहना है जो पहला टीजर आपने निकाला था बस उसी की सेम छाप छोड़ रहा है ये फाइनल ट्रेलर आपका। मतलब एक्शन मसाले में लोगों को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ट्रेलर बिल्कुल एक एनिमेशन मूवी की छाप छोड़ रहा है, मतलब सुधार किया है पर उस हद तक नहीं करा है। बाकी लोगों का ये भी कहना है कि VFX के मामले में अभी भी मार खा रही है मूवी। दोस्तों इन्हीं सारे क्रिटिक्स के साथ पहले 12 घंटे में ही ट्रेलर इतने व्यू बटोरने में सफल तो नहीं हो पाया। यस ट्रेलर को ऑफिशियली 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में, जिसमें पहले 12 घंटे में हिंदी से 13 मिलियन व्यू और 4,32,000 लाइक मिले हैं, तमिल से लगभग 1.2 मिलियन व्यूज और 13,000 लाइक मिले हैं, तेलुगु से 3.5 मिलियन व्यूज और 2,72,000 लाइक्स, मलयालम से लगभग 4,05,000 व्यू और लगभग 11,000 लाइक्स मिले हैं, कन्नड़ा भाषा से लगभग 4,65,000 व्यू और 15,000 लाइक्स मिले। तो देखा जाए तो इतनी मच अवेटेड मूवी के लिए ये आंकड़ा जम नहीं रहा है क्योंकि इसी के अपोजिट बाहुबली और पठान जैसी फिल्म मिलियंस में व्यूज पहुंचाती हैं अपने पहले 12 घंटे के अंदर ही। बात करें अभी तक 24 घंटे और 24 घंटे से ऊपर के टोटल व्यूज सिनेरियोज के बारे में, यानी जिस टाइम अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्रेलर ने अभी 42 घंटे पूरे कर लिए हैं। तो यस अभी तक आदि पुरुष के फाइनल ट्रेलर ने हिंदी लैंग्वेज में 38 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं और लगभग 6,70,000 लाइक्स अपने में रख लिया, तमिल लैंग्वेज में लगभग 2.4 मिलियन व्यूज और 21,000 लाइक्स, तेलुगु लैंग्वेज में लगभग 7.8 मिलियन व्यूज और 3,50,000 लाइक्स, मलयालम में लगभग 1.3 मिलियन व्यूज और 15,000 लाइक्स और कन्नड़ा लैंग्वेज में लगभग 1.7 मिलियन व्यूज और 26,000 लाइक्स। दोस्तों आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ट्रेलर ने रफ्तार पकड़ी है, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे शायद आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा तब तक। दूसरा ये कि आदि पुरुष का जो ऑफिशियल ट्रेलर था जो पिछले महीने रिलीज हुआ था उस ट्रेलर ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े थे और अमेजिंगली क्या ग्रोथ दिखाई थी कमाल है, जिसके बेस पर मेकर्स को यकीन हो चुका था कि अब मूवी फ्लॉप होने से तो बच जाएगी। फुल्ली इमोशनली कनेक्शन बनाया था पब्लिक और ट्रेलर के बीच में जिसमें BGM का बहुत बड़ा रोल था। बाकी जब ये फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है इससे कुछ खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है, हो सकता है मूवी फ्लॉप भी हो सकता है मूवी हिट भी हो सकती है, सो नो वन नोज, 16 जून को सब पता लग जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोगों की बारी, क्या 700 करोड़ खर्च करके ये फिल्म 500 करोड़ भी कमा पाएगी, अभी आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। दूसरा आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्या वाकई में VFX में सुधार है, क्या वाकई में ये फिल्म हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।